नमस्कार, मैं तरुण कुमार तिवारी, प्रवक्ता श्री गोकुल वर्मा राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय TTC एवं LRDC के वीडियो लेक्चर श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम सिविल द्वितीय वर्ष के बिल्डिंग टेक्नोलॉजी विषय के स्टोन मेसनरी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। स्टोन मेसनरी से तात्पर्य है पत्थर की चिनाई। पत्थर की चिनाई क्या है? स्टोन मेसनरी इज मेड ऑफ स्टोन्स यूजिंग बॉन्डेड टुगेदर विद मोर्टार। पत्थर के टुकड़ों को मोर्टार की सहायता से एक दूसरे से जोड़कर बनाई गई युक्ति पत्थर की चिनाई कहलाती है। क्या खास बात है पत्थर की चिनाई की? पत्थर की चिनाई जब हम मूल रूप से देखते हैं, आजकल हम जब देखते हैं पत्थर की चिनाई के बारे में, तो पत्थर की चिनाई सामान्यतया हमें जिन जगहों पर पत्थर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है वहां मकान पत्थर के बनते हैं, जहां पत्थर उपलब्ध नहीं है वहां केवल फाउंडेशन का जो कार्य है, जो फाउंडेशन वॉल्स हैं वो पत्थर की बनती है, बाकी सारा कार्य ईंट से होता है। जहां पत्थर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है वहां पत्थर सस्ता होता है, जहां पत्थर उपलब्ध नहीं है वहां पर ईंट सस्ती पड़ती है। तो बेसिकली जब हम बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन की, तो कंस्ट्रक्शन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वो है लोकली अवेलेबल मटेरियल। जो लोकल एरिया में जो भी मटेरियल उपयोग प्राप्त होता है, निकलता है, उस मटेरियल का उपयोग ज़्यादा होता है। अगर कहीं पत्थर, सपोज जोधपुर में हम बात करें तो वहाँ पत्थर निकलता है, पत्थर काम में लेते हैं। जयपुर में जहाँ पत्थर नहीं निकलता वहाँ ईंटें काम में ली जाती हैं। अब ये जो स्टोन की चिनाई है, पत्थर की जो चिनाई है, ये मुख्य रूप से दो तरह की होती है। पहली होती है रवल मेसनरी, दूसरी होती है एशलर मेसनरी। रवल मेसनरी वो मेसनरी जो पत्थर जिस फॉर्म में निकला है उसी फॉर्म में उसकी चिनाई की गई, और एशलर मेसनरी वो मेसनरी जब पत्थर को ड्रेस करने के बाद, ड्रेस मतलब उसको मशीन से या प्रॉपर छेनी हथौड़ी से उसको चिजल करने के बाद, उसके चारों जो कॉर्नर्स हैं वो शार्प करने के बाद, तब हम उसको उपयोग में लेंगे। और रवल मेसनरी में जैसा पत्थर निकला पहाड़ से उसको उसी फॉर्म में काम में लेंगे। तो रैंडम रवल मेसनरी जो है ये पांच प्रकार की है: रैंडम रवल मेसनरी, स्क्वायर रवल मेसनरी, पॉलीगोनल रवल मेसनरी, फ्लिंट रवल मेसनरी और ड्राई रवल मेसनरी। इसी प्रकार एशलर मशीनरी भी पांच प्रकार की है: एशलर मशीनरी, एशलर रफ टूल्ड, रॉक क्वेरी फेस्ड, एशलर चैम्फर्ड मशीनरी, एशलर ब्लॉक इन कोर्स मशीनरी। आप इसमें देख रहे होंगे स्लाइड में कि कहीं हर एक रैंडम रबल मशीनरी के नीचे लिख रहा है कोर्स्ड और अनकोर्स्ड, ऐसे स्क्वायर रबल मशीनरी के नीचे भी लिख रहा है कोर्स्ड और अनकोर्स्ड। तो क्या अभिप्राय है कोर्स्ड और अनकोर्स्ड से? कोर्स्ड का मतलब होता है रद्दा, एक रद्दा। जहां हम कोर्स्ड की बात करते हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि इस चिनाई में हर रद्दा अलग अलग आपको दिखेगा, मतलब एक रद्दे के ऊपर दूसरा रद्दा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, इस प्रकार अलग अलग रद्दे दिखेंगे। जबकि अनकोर्स्ड में आप रद्दों को अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले हम रैंडम रबल मेसनरी पर बात करते हैं। पहला कोर्स। इन दिस टाइप ऑफ मेसनरी द स्टोन यूज्ड आर वाइडली डिफरेंट साइजेस। सारे पत्थर अलग अलग साइजेस के होंगे। दिस इज रफेस्ट एंड चीपेस्ट फॉर्म ऑफ स्टोन मेसनरी। ये सबसे सस्ते इकोनॉमिकल पत्थर की चुनाई यही वाली होती है। इन कोर्स रैंडम रबल मेसनरी दी मेसनरी वर्क इज कैरिड आउट इन कोर्सेज सच दैट दी स्टोन्स इन अ पर्टिकुलर कोर्सेज आर ऑफ इक्वल हाइट। मतलब
जो हाइट है एक रद्दे की, वो 10 इंच है, 9 इंच है या 1 फिट है, वो पूरी एक बराबर होगी। सारे पत्थरों की हाइट एक बराबर दिखेगी। जरूरी नहीं है कि पत्थर की चौड़ाई भी एक जैसी दिखे, लेकिन हाइट एक जैसी दिखेगी। जब हम इससे पिछली वाली स्लाइड में देखते हैं, तो आप देख सकते हैं ये यहाँ जो हम लाइन देख पा रहे हैं, ये लाइन पहला रद्दा है, ये लाइन दूसरा रद्दा है, ये लाइन तीसरा रद्दा है। पत्थर की चिनाई की एक बहुत अच्छी विशेषता आपको यह मैं समझाना चाहूँगा कि जब हम पत्थर की चिनाई करते हैं तो कारीगर इसमें दोनों तरफ सूत बांधता है। इस तरफ भी सूत बांधेगा, उस तरफ भी सूत बांधेगा। दोनों तरफ सूत बांधने के बाद कारीगर दोनों तरफ बड़े बड़े पत्थर जमाता है और उन पत्थरों के बीच में फिर वो छोटे 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 पत्थर के पीसेस, सीमेंट बजरी का मोर्टार, गिट्टी सब फिल करके इसको सॉलिड फॉर्म में पैक कर देता है। ये पत्थर की चिनाई होती है, जैसे आपको इसमें दिख रहा है। यहाँ आप जब अपन इसको प्लान में देख रहे हैं तो प्लान में भी ऐसी दिख रहा है। जब हम सेक्शन में देख रहे हैं तो दोनों तरफ हमें पत्थर दिख रहे हैं बड़े बड़े, बीच में छोटे छोटे टुकड़े दिख रहे हैं। ये सेक्शन में भी इसी प्रकार दिखता है। जब हम अनकोर्स्ड की बात करते हैं तो बाकी सब चीजें सेम है इसमें, सिर्फ जो देखने में एलिवेशन में जब हम इसको देखेंगे तो इसमें हमको अलग अलग कोर्सेस हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। अनकोर्स्ड मशीनरी जो है वो कोर्स मशीनरी से और थोड़ी सी चीप होती है, रफ होती है, सस्ती होती है। स्क्वायर रवल मशीनरी कोर्स, जब हम स्क्वायर रवल मशीनरी की बात करते हैं तो इस तरह की जो चिनाई है उसके अंदर स्ट्रेट बेड के और स्ट्रेट साइड के पत्थर हम काम में लेते हैं। दी स्टोन्स आर यूजली स्क्वायर्ड एंड ब्रॉट टू हैमर ड्रेस्ड और स्ट्रेट कट फिनिश। इन द कोर्स्ड स्क्वायर रवल मशीनरी द वर्क इज कैरिड आउट इन कोर्स ऑफ वेरिंग डेप्थ। अलग अलग हाइट के कोर्सेज हो सकते हैं क्योंकि पत्थर का साइज फिक्स नहीं है। पत्थर का शेप हमने कारीगर ने बैठ के उसको शेप में स्ट्रेट लाइन में किया है, लेकिन उसका साइज फिक्स नहीं है। इसलिए आप जब इसको देखेंगे पिछली वाली स्लाइड में तो आपको अलग अलग साइज के पत्थर इसमें दिखेंगे। अलग अलग साइज के हैं, अलग अलग शेप के हैं। जब हम प्लान में देखेंगे तो प्लान में हमें ये दिखेगा कि बाहर का फेस तो सीधा है लेकिन अंदर का फेस पत्थर का टेढ़ा है। तो कुल मिला के जब कारीगर ने इस पत्थर को इस स्क्वायर रवल मशीनरी कोर्स के लिए तैयार किया है तो उसने सिर्फ बाहर का फेस सीधा किया है और अंदर का फेस वो जिस भी प्रकार का है उसी प्रकार का छोड़ के उसने इसकी चिनाई की है। वापस हम वही बात करेंगे कोर्स में, यहाँ आप अलग अलग कोर्स, सपोज जैसे इस लाइन से मैं बात करूँ तो इस लाइन से ये पूरा कोर्स मैं बिल्कुल डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ, अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, यहाँ से ये भी कर सकता हूँ। और जब हम अनकोर्स की बात करेंगे तो सेम वही पैटर्न है, वही प्लान है, वही सेक्शन है, लेकिन यहाँ पे जब हम कोर्स की बात करेंगे तो हमें कोई कोर्स हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। इसके पश्चात आती है पॉलीगोनल रबल मेसनरी। पॉलीगोनल रबल मेसनरी में, इन दिस टाइप ऑफ रबल मेसनरी दी स्टोन्स आर हैमर ड्रेस्ड, पत्थर से ड्रेसिंग की, हथौड़े से ड्रेसिंग की होती है पत्थर की। दी स्टोन्स यूज्ड फॉर फेस वर्क आर ड्रेस्ड इन एन इरेग्युलर पॉलीगोनल शेप, दस द फेस जॉइंट आर सीन रनिंग इन एन इरेग्युलर फैशन इन ऑल डायरेक्शंस। ये जो सरफेस है, इसमें जो फ्रंट सरफेस है ये स्ट्रेट लाइन में, इसको पत्थर को पॉलीगोनल शेप में स्ट्रेट लाइन में ड्रेस्ड किया जाता है, और स्ट्रेट लाइन में ड्रेस करने के बाद सारे इरेग्युलर स्ट्रेट लाइन से कोई किसी कॉम्बिनेशन में स्ट्रेट लाइन नहीं है। हर पत्थर की अलग आइडेंटिटी है, हर पत्थर का बस ये देखना, जो कारीगर को देखना होता है वो ये देखना होता है कि दो पत्थरों का फेस एक दूसरे से मिले, जिससे पत्थर की सेटिंग पत्थर के ऊपर प्रॉपरली हो, वो हिले नहीं। फ्लिंट रबल मशीनरी, फ्लिंट रबल मशीनरी इज द मशीनरी वेयर स्टोन यूज्ड आर फ्लिंट्स और कॉबल्स। फ्लिंट मतलब आपने देखे होंगे गोल गोल पत्थर, जो जनरली आप
अपन सामान्य रूप में देखते हैं तो बजरी में जैसे जिस प्रकार के गोल गोल पत्थर निकलते हैं उस तरह के पत्थर, दीज आर इरेग्युलर शेप्ड नोड्यूल्स ऑफ सिलिका, दी स्टोन्स आर एक्सट्रीमली हार्ड बट दे आर ब्रिटल एंड देयर फोर दे आर वेरी दे ब्रेक इजीली। आप स्लाइड को देखिए तो एक स्लोपिंग सरफेस पे जो जो बेसिकली पहाड़ से जो बिल्कुल रफ पत्थर पड़ा हुआ रहता है काफी टाइम तक, जो पड़ा पड़ा इधर से उधर होते होते घिस घिस के जो राउंड शेप जिसके हो जाते हैं, या बजरी में जो पत्थर आता है जो नदियों में बह बह के राउंड शेप हो जाते हैं, या पहाड़ों पे ऊपर बारिश पड़ती है और वो पत्थर बह बह के नीचे जो आते हैं पानी के साथ वो राउंड शेप में जो हो जाते हैं, उन्हीं गोल गोल पत्थरों को दीवार के फॉर्म में चिनाई करके फ्लिंट रबल मेसनरी बनाई जाती है। ड्राई रबल मेसनरी में बिल्कुल प्लेन स्टोन को बिना किसी मोर्टार के हम काम में लेते हैं। इन दिस टाइप ऑफ मेसनरी मोर्टार इज नॉट यूज्ड इन द जॉइंट्स। दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन इज द चीपेस्ट एंड दी रिक्वायर्स मोर स्किल इन कंस्ट्रक्शन। दिस मे बी यूज्ड फॉर नॉन लोड बेयरिंग वॉल्स सच एज कंपाउंड वॉल्स एक्सेट्रा। जब हम जयपुर से और शेखावटी रीजन में जब जाते हैं तो हमने कई दफा देखा होगा कि जो खेत हैं उनके अंदर बाउंड्री वॉल बनाई जाती है, और वो जो बाउंड्री वॉल होती है वो बाउंड्री वॉल पत्थर की होती है और बिना चिनाई के वो पत्थर के ऊपर पत्थर रख के उसको बनाते हैं। बस जो एक ध्यान में रखने वाली उनकी बात होती है वो ये होती है कि उसके भी वर्टिकल ज्वाइंट वो ब्रेक करते हैं। देखिए यहाँ पे भी जो ये सूखी चिनाई इन्होंने की है बिना किसी मसाले के, बिना किसी मोर्टार के, सिर्फ पत्थर रखे हैं, लेकिन पत्थर के जो वर्टिकल जॉइंट्स हैं वो सारे इन्होंने ब्रेक किए हैं। वही है, दोनों तरफ सूत बांधा, बीच में बड़े पत्थर रखे और बीच में छोटे छोटे पत्थरों से उसकी फिलिंग की। अब बात आती है एशलर मशीनरी, एशलर फाइन मशीनरी। इन दिस टाइप ऑफ मशीनरी Each stone is cut to uniform size and shape with all sides rectangular so that the stone gives perfectly horizontal and vertical joints with adjoining stone. This type of ashlar masonry is very costly. देखिए अपन ने सबसे पहले जब ये टॉपिक शुरू किया तो हमने बताया आपको कि ashlar masonry क्या है और rubble masonry क्या है। तो ashlar masonry वो masonry है जिसमें कि हर पत्थर को अलग से उसका साइज यूनिफॉर्म किया जाता है, उसकी शेप यूनिफॉर्म की जाती है, उसकी साइड्स को रेक्टेंगुलर किया जाता है और ये इंश्योर किया जाता है कि किन्हीं भी दो पत्थरों के जो बीच का जॉइंट है वो परफेक्टली या तो हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो। एक दूसरे रद्दे के ऊपर अगर आ रहा है तो हॉरिजॉन्टल होगा और साइड बाई साइड अगर स्टोन है तो जॉइंट वर्टिकल होगा। तो ये देखने की बात है कि एशलर मशीनरी में हमें इन सब चीज़ों का खास ख्याल रखना पड़ेगा। प्रॉपरली आप देखिए जैसे अपन ईंट को देखते हैं उसी शेप में प्रॉपर स्टोन है, सारे स्टोन यूनिफॉर्म साइज के हैं और सारे जॉइंट प्रॉपर रेक्टेंगुलर हैं। जब इस तरीके से हमें हर पत्थर को तैयार करना पड़ेगा तो जो पत्थर की कॉस्ट है वो कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। दूसरा जो स्टोन है, दूसरी जो मशीनरी है एशलर टाइप की वो है एशलर रफ टूल्ड मशीनरी। इन दिस टाइप ऑफ एशलर मशीनरी दी बेड्स एंड साइड्स आर फिनिश्ड फाइनली चिजल ड्रेस्ड। जो बेड्स और साइड्स हैं वो चिजल ड्रेस्ड हैं बट दी फेस इज मेड रफ बाय मींस ऑफ टूल्स। और जो फेस है वो रफ है लेकिन वो रफ भी ओरिजिनल रफ नहीं है, इट इज मीन बाई मीन ऑफ टूल्स, मीन्स ऑफ टूल्स है ना, टूल से रफ किया गया है। स्ट्रिप अबाउट 25 mm वाइड एंड मेड बाई मीन्स ऑफ चिजल इज प्रोवाइडेड अराउंड द पेरीमीटर ऑफ स्टोन ऑफ द रफ ड्रेस्ड फेस टू फेस ऑफ ईच अदर। तो ये जो हर पत्थर के चारों तरफ आप एक लाइन देख रहे हैं मोर्टार की, ये जो मोर्टार की लाइन है ये 25 mm की लाइन बनाई गई है, रखी गई है।
इसके बाद है एशलर रॉक और क्वेरी फेस्ड मशीनरी. इन दिस टाइप ऑफ एशलर मशीनरी अ स्ट्रिप अबाउट 25 mm वाइड एंड मेड बाय मींस ऑफ चिजल इज प्रोवाइडेड अराउंड द पेरीमीटर ऑफ एवरी स्टोन एज इन केस ऑफ रफ टूल्ड एशलर मशीनरी. जिस प्रकार रफ टूल्ड एशलर मशीनरी के अंदर हमने 25 mm का हर पत्थर के चारों तरफ हर पत्थर की पूरी पेरीमीटर पर हमने एक 25 mm का ग्रुप दिया था, उसी तरह यहां भी हमें देना है. और जो बाकी का जो पोर्शन है पत्थर का, वो हमें जैसा क्वेरी में से निकला है वैसा ही छोड़ना है. इसके बाद अगला है एशलर चैम्फर्ड मशीनरी. चैम्फर्ड मशीनरी में आप देखेंगे, जैसे इस फोटो में आपको दिख रहा है कि हर पत्थर को चैम्फर 45 डिग्री के एंगल पे यहाँ काटा हुआ है और बगल वाला पत्थर भी काटा हुआ है. तो ये एक वी शेप का ग्रूव हमें इस पत्थर के चारों तरफ मिल रहा है. यहाँ पे भी वी है, यहाँ पे भी वी है, यहाँ पे भी वी है, यहाँ पे भी वी है. इन दिस टाइप ऑफ एशलर मशीनरी दी स्ट्रिप इज प्रोवाइडेड एज बिलो बट इट इज चैम्फर्ड और बेवल्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री बाई मीन्स ऑफ चिजल फॉर अ डेप्थ ऑफ अबाउट 25 mm. 25 mm की गहराई तक या पत्थर की मोटाई के बराबर 45 डिग्री का हमें इसको चैम्फर करना है, काटना है. ये पूरा जो एक चैप्टर है ये पत्थर की चिनाई से संबंधित है. इसी में मैं आगे आपको एक छोटा सा वीडियो और दिखाना चाहूंगा, जिस वीडियो में हमें जो साइट पे कंस्ट्रक्शन होता है पत्थर का, उसके बारे में हम बात करेंगे. देखिए, जैसा मैं आपको बता रहा था कि इसमें दोनों तरफ सूत बांधा जाता है, इस तरफ भी सूत बांधा हुआ है, उस तरफ भी सूत बांधा हुआ है. और सूत बांधने के बाद जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो हमने साइड में लगाए हैं, इस साइड भी लगाए हैं. देखिए, ये फेस आपको दिख रहा है पूरा, इस सूत के बाहर नहीं है. इसी प्रकार ये देखिए बिल्कुल सीधा, इसी प्रकार इस साइड से भी ये हमें जो सूत दिख रहा है, धागा दिख रहा है, ये धागा इस पत्थरों को लगाने के लिए लगाया गया है. इसके पश्चात हमने इसके हिसाब से दोनों तरफ पत्थर खड़े किए. पत्थर खड़े करने के बाद इसके अंदर हम फिलिंग करेंगे और इस तरह का सरफेस हमें मिलेगा. अब एक छोटी चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जब हम ये पत्थर रखते हैं तो हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि हर पत्थर का एक बड़ा हिस्सा, जैसे इस सरफेस पर टिकना चाहिए. ये देखिए आप, यहां इन्होंने इसकी फिलिंग की है, दोनों तरफ से पत्थर को लंबा रखा है, जबकि यहां पे पत्थर को इस तरीके से लंबा रखा है. इसमें और इसमें क्या फर्क अपन को दिख रहा है? इसमें और उसमें ये फर्क दिख रहा है कि ये जो पत्थर है ये हमारा दीवार के ऊपर है पूरी तरह से, ये कैंची की शेप बना रहा है, इधर का पत्थर और उधर का पत्थर घुस के कैंची का, ऐसे ये देखिए, ये पत्थर कैंची का शेप बना रहा है, ये पत्थर कैंची का शेप बना रहा है. परंतु जो ये जो पत्थर है, ये दिस वन, ये जो पत्थर इन्होंने खड़ा किया है, ये पत्थर जब हम स्ट्रेंथ वाइज बात करते हैं तो ये सबसे वीक पोर्शन या कमजोर पोर्शन इस दीवार का बनेगा, क्योंकि ये स्टेबिलिटी के हिसाब से ये पत्थर सही नहीं है. इस प्रकार ये इस ये देखिए, ये सेक्शन जो था अभी आपने देखा, ये जो है ये फिलिंग हम करते जाएंगे, और फिलिंग करने के बाद जब ये फिलिंग पूरी हो जाएगी इसके ऊपर मसाला डाल के और इसको फिनिश करेंगे. ये देखिए, ये अब इस समय ये पूरी हो गई है फिलिंग,
और ये मसाला इसके ऊपर डाला जा रहा है। और इस मसाले की फिलिंग दूसरा कारीगर अंदर तक कर रहा है, जहां गैप है वहां पे पत्थर डाले जा रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़े। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि सामान्यतया साइटों पे आपको जो फाउंडेशन या जमीन के नीचे की जो चिनाई का काम है उसमें सामान्यतया आपको रैंडम मशीनरी ही मिलेगी। रैंडम मशीनरी कॉस्टली मतलब इकोनॉमिक होती है, स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है। तो आज के इस चैप्टर से हम यह समझते हैं कि हमने आज पत्थर की चिनाई के बारे में समझा, और पत्थर की चिनाई के साथ साथ हमने पत्थर की विभिन्न प्रकार की चिनाइयों के बारे में समझा, और साइट पे चिनाई किस तरह होती है उसका एक छोटा सा उदाहरण एक वीडियो के रूप में देखा। धन्यवाद।